आज आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ आ गया। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगर हाथों का कलर इस तरह का हो, इस तरह का, और मुंह का कलर इस तरह का हो, आप इसको सेम कैसे कर सकते हैं। अपने हाथों का कलर भी कैसे वाइट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का लिंक है, प्लीज़ जाके हमें वहाँ भी फॉलो करें, सपोर्ट करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, इसका नाम है स्नैपचैट। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर पर सर्च मारें स्नैपचैट या पत्ता सा होगा, या आप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद अपने अपनी पिक को गैलरी में ओपन करना और आपने शेयर कर देना स्नैपचैट में। तो मैंने स्नैपचैट में शेयर कर दी। सबसे पहले आपके पास ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा आपको। तो इसके लिए आपने नीचे टूल्स का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके अपन क्लिक करना, सेलेक्टिव पे क्लिक करना। और ये प्लस आप जहाँ पे भी टाइप करके इधर नीचे लाएंगे ना, ये प्लस आ जाएगा। इसको आपने अपने हाथ पे लगा देना है और छोटा छोटा करके इसकी ब्राइटनेस हमने बढ़ा देनी है, सैचुरेशन हमने माइनस कर देनी है। थोड़ी सी और ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं ताकि सेम हो। टिक पे कहाँ जाना है, फिर हमें सेलेक्टिव करना है ऐड, फिर हमने अपने थंब पे लगाना है और इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा देते हैं और माइनस सेचुरेशन को माइनस कर देते हैं। तो अब हमने टूल्स पे जाना है, ट्यून इमेज पे जाना है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट कम कर लेते हैं, शेडो बढ़ा लेते हैं और टिक पे क्लिक कर देते हैं। टूल्स पे जाना है हमने और आपको रिग्निटी का ऑप्शन नीचे नज़र आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। इसको आपने दरमियान में लाना है अपने फेस से बचा के और अपने हाथों से, बाकी आपने इसे माइनस कर देना और टिक पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपने फिर टूल्स पे जाना, फिर आपने जाना है ट्यून इमेज में। जाने के बाद अपने कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर देना, करने के बाद आपने टिक पे क्लिक कर देना। तो ये थी बिफोर आफ्टर, पहले ये थी अब ये है, अब लग रही ना सेम। ये है मुंह का कलर, ये हाथ का कलर सेम हो गया। तो सेव करने के लिए आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना तो आपकी ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाएगी पिक। मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी में कैसे आपकी पिक सेव होगी। तो मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ। तो ये आ गई हमारी फोटो गैलरी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, शेयर, बेल आइकन को दबाना मत भूले। और अगर आप ऐसी न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।